आधी सर्जरी के टाइम में मैं नहीं रुकवा सकती ना, क्योंकि तो सर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना ऐसे में दोनों चीज़ों में। तो अभी बस हम इसका इनटेक ले लेते हैं। सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको क्या हुआ था? ये हमने दौलतपुर में ऐसे सो मतलब अपने काम को जा रहे थे, तभी हमने ये देखा था, इसका एक्सीडेंट हुआ है, हमने देखा था ये नाली में पड़ा हुआ था, ऐसे लोकल बंदे बोल रहे थे कि रात का पड़ा हुआ है ये। गूगल पे आपका नंबर जो है वो देखा, फिर उस पर सर्च करके ये कॉल किया आपको। जो पपी हमने कांगड़ा से रेस्क्यू किया था, जिसको रिकेट्स का इशू है, उसका हम स्प्लिंट कर रहे हैं, उसका जो रेगुलर विटामिन का डोज है वो भी उसको प्रॉपरली मिल रहा है। स्प्लिंट से उसके जो फ्रंट लेग में जो बेंड हो चुका है हिस्सा, उसको सपोर्ट मिलेगा और बोन उस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। हम छतरी जा रहे हैं, वहाँ से एक डॉग के रेस्क्यू के लिए भी कॉल आया हमें, तो पहले भी आया था कॉल आज दिन में, पर हमने जाना था तो वो डॉग उनको मिल नहीं रहा था। यार भाग रहा है बुरी हाल से, वहाँ भाग गया टोकरू है ढकी भाई सर, इसी गर्दन में भी लगी है। ओ सर इसका नहीं सर, इसकी पूंछ जो देने वाला था ना वो, अरे जल्दी वो भाग रहा है, वो उसके पास जा रहा है, आधे लगा रहा है, वो भी इधर उधर साइन लगा गोदी में। हाँ लगी तो है, डॉग बाइट तो है अच्छा खासा, घाव काफ़ी गहरा है, पूंछ में भी उसको घाव है। एंटीरे भी शेड्यूल हमने शुरू कर दिया है उसका, अभी उसकी ड्रेसिंग हो चुकी है। डॉग ऐसे तो बड़ा शांत है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी ठीक भी हो जाएगा। अभी समझ आया आप लोगों को मैंने कितने बार समझाया है कि एक साथ पपीज को रेस्ट नहीं देना है ना कभी, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप पपीज को दोगे करके। खून आ गया फालतू में, उसको डॉग बाइट हो गया। जब आप एक से ज्यादा डॉग्स को फीड कर रहे हैं, खाने को उनके बीच में ना डाल दीजिए, उससे वो लोग फाइट में आ सकते हैं। तो आप एक एक को करके फीड करिए, ताकि उसको पता चले कि ये सिर्फ उसके लिए है और कोई उसके ऊपर टूट नहीं पड़ेगा। इसीलिए टोफू को, बेटी जी को, सरगम को खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो नमूने हैं यहाँ पे जो उछल रहे हैं, इन्हें मैं तब फीड करूंगा जब ये एक एक करके एनरिचमेंट के लिए बाहर आएंगे। तुम्हें ज्यादा मिल गया इस चक्कर में। आज हमने बम्पी को शाहपुर भेजा था, जिसका हमने टेम्पररी स्प्लिंट कर रखा था, और हम वेदर ठीक होने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम उसका प्लास्टर कर सके। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसका प्लास्टर कर दिया। सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे जो हमें टाइमिंग दी गई थी 11:30 की, वहाँ पे उस वक्त पे एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई, हमारा जो प्लास्टरिंग था वो काफ़ी लेट हुआ। लेट होने की वजह से वो टाइमली सूखा नहीं, क्योंकि धूप चली गई थी, और इसलिए हमारे टीम ने ब्लोअर लेके उसका जो प्लास्टर है वो सुखाया है। घर कितने बजे गए? 9:00 तू और मैं, इनकी फोटो लो, ये शर्माते हैं। गोली अगर आपको याद होगा, वो 2 महीने पहले हमारे पास आया था, जब उसको डॉग बाइट हुआ था, उसको डॉग बाइट की वजह से सेमी पैरालिसिस हो गया था, और हालांकि उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा था, उसी समय में मुग्धा जी जो हीलिंग साथी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है देहरादून में, वो यहाँ वॉलंटियर करने आई थी, उन्होंने हमसे गोली को अडॉप्ट किया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि वो गोली की कंडीशन को सुधार सकती है। और रिसेंटली उन्होंने हमसे कुछ वीडियो शेयर किए जहाँ पे गोली दौड़ता हुआ दिख रहा था। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मुग्धा ने हमारी इस तरीके से हेल्प की कि उसने हमारे से एक डॉग भी अडॉप्ट कर लिया और उसकी कंडीशन को सुधार भी दिया है। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे? यस मैम। तो आपने कोई ब्रीड वीड डॉग नहीं? सभी एक ही जैसे तो हैं। तो दक्ष जी है जो रेड से है, उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने एक पूछा कि अगर हमारे पास कोई पपी है, और ये एक ही पपी था हमारे पास, 2 दिन पहले ही आया था हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि इसको किसी ने छोड़ दिया था, टांडा में रिलोकेट कर दिया था, और ये इतना लकी निकला ये बच्चा कि उसके 2 दिन में अडॉप्शन भी हो गया है। ये आई थिंक हमारा सबसे क्विक रेस्क्यू एंड अडॉप्शन हुआ है आज। आपने कुछ नाम सोचा है इसके? बाय। हमारे जनवरी के 10 अडॉप्शन हुए। एक और दिन बाकी है, होगा और भी अडॉप्शन होगा। अभी हम लोग धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें कॉल आई थी एक डॉग के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा उसको स्किन का प्रॉब्लम है। अभी रविंद्र जी बता रहे हैं कि उन्होंने भी उसको कुछ टाइम पहले देखा हुआ था यहाँ पे, और वही जगह नहीं थी, बोल के हमने इस चीज़ पे वर्क नहीं किया, क्योंकि धर्मशाला हमारा एरिया भी नहीं पड़ता है और हमको अपने लोकल एरिया को प्रायोरिटी देनी होती है। इसको जो स्किन कंडीशन हुआ है, इसे डेमोडिकोसिस कहते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए अभी ऐसा होगा कि हमें उसे मेडिकेटेड बाथ देना पड़ेगा हफ्ते में एक बार, और उसे आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगेगा, वो भी वीकली। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था स्किन इन्फेक्शंस एंड डॉग्स के बारे में, तो उसमें मेंज क्या होता है, डेमोडिकोसिस क्या होता है, इसके बारे में हमारे डॉक्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम कचहरी जा रहे हैं, एक बछड़े को रेस्क्यू कर रहे हैं जिसको काफी ज्यादा चोट आई है पीछे, इसलिए अभी हम तुरंत निकल रहे हैं। पहले खत्म कर दिया, छोड़ जा रहे हैं ना, हफ्ता हुआ इसे छोड़े को,
पता नहीं कौन ऐसे छोड़ जा रहे हैं, उसके बाद बिचारों की ये गौशाला कॉन्टैक्ट करो, इनको वहां छुड़वा दो। मैं तो सर आज वही जा रही हूं, मैं गौशाला में ही रात को छोड़ जाते हैं ना। ये हल्दी वल्दी उन्होंने लगाई है जी, लेकिन छोटी हुई है, सोच रही हूं मैं। ये स्पाइन से जाती है ना सारी पूरे बॉडी में, अब ये पूरी तरह से ये खुद ही डैमेज हो रहा है, सामने ही दिख रहा है कि डैमेज हो रखी है। इस तरीके से सर पीठ वाले हिस्से में इसकी इंजरी है ना, तो सर बता रहे कि बर्ड्स ने भी तो नोचा ही होगा, जो कि हाँ पॉसिबल है बर्ड्स अटैक ज़रूर करती हैं, जैसे मोस्टली क्रोज वगैरह। अगर ये बहुत पतली होती है, लेकिन अब ये अगर रप्चर हो जाती तो स्टमक कंटेंट सारा बाहर आ जाता है ये। ओके, अभी इसमें है परफोरेशन तो है, क्योंकि एयर भी आ रही है, तो अब लकीली ये है कि पूरा रप्चर नहीं हुआ है, कोशिश कर सकते हैं इसको। ये बच्चा हमारे पास आया था चार दिन पहले, तो जो शाइनी के फादर है वो उसे ले आए थे, वो वहाँ पे उसे इसकी माँ को और बाकी के जो उसके भाई बहन हैं उसको पीट करते हैं, तो उन्होंने मॉर्निंग में देखा कि उसका जो है जबड़ा जो था वो टूट गया था और लटक रहा था। उसके आने के दो दिन बाद हमने उसे पालमपुर भेजा था उसका चेकअप के लिए और सर्जरी की डेट करवाने के लिए, क्योंकि उसका जो जबड़ा है वो सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही जुड़ सकता था। तो अभी कल ही उसकी सर्जरी हुई है और अभी ये हीलिंग में है, तो उसके मुंह पे जो टेप लगी है वो लगी रहेगी जब तक उसका हीलिंग पूरी तरह से हो नहीं जाता, तो जिसको आई थिंक और 20 या 25 दिन लगेंगे। और इसके हाथ में भी हमने ये टेप बांध दी है ताकि वो अपने जबड़े पर स्क्रैच ना करे और वहाँ पे इंजरी ना कॉज करे। नटखट को अभी डायरिया लगा हुआ है और इंडाइजेशन भी है, तो उसी के लिए अभी हम ड्रिप स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, और होप सो आज की एक बार की ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाए। कि ये तो वैसे हेल्दी डॉग है, लेकिन वो रहता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के बीच में, तो हो सकता है कि उस वजह से उसको डायरिया हो गया हो। और इसके अडॉप्शन के लिए भी अभी तक हमें कॉल्स आ नहीं रहे हैं, और जब तक वो यहाँ पे रहेगा तब तक उसका वो प्रॉब्लम ऊपर नीचे होता रहेगा। कल शाम काफ़ी लेट एक रेस्क्यू और भी आया, एक गाय लेकर आए हमारे टीम वाले, जिसका खुर बुरी तरीके से डैमेज है, सामने वाले खुर में मैगेट वुंड भी है, और जो सामने के दोनों खुर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो उसका सुबह तो हमने ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपरली कर दिया, मैगेट सारे मर चुके हैं, और अब हम उसका जो लंबा लंबा खुर है वो भी ट्रिम कर देंगे, इससे इसको पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा और वो वुंड जो है वो जल्दी हील हो जाएगा। इसका फिर से वही देखो ना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आ रही है, ऊपर से पस अभी भी डिस्चार्ज हो ही रहा है ना, और मुझे नहीं लग रहा कि हम कुछ ज़्यादा खास इसको मदद कर पा रहे हैं। सहारा का तो शुरू से कितना कुछ सीन है, पहले इसका हर्निया हुआ, फिर ये गिर गई, फिर इसका दोबारा सर्जरी, अब लेकिन सर्जरी हुई है जो कि हमने दूसरी स्पॉट पे करी थी, लेकिन फिर भी इसके पास बस आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर पालमपुर गए थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया इसका, तो उन्होंने बताया कि मैग्नेशियल फेयर से गोल्स मतलब डीप करके उसके अंदर डालो आप, तो जो सूचर है वो काट दो, तो ड्रेसिंग करते रहो डेली, पैकिंग करो मतलब अंदर पैकिंग करो, और ड्रेस मतलब फिर एक हफ्ता फिर वापस लेके, अगर नहीं फर्क पड़ता है फिर वो कुछ और करेंगे। क्या तो तुम मैक्सेल्फ कैसे यूज़ करो? मैक्सेल्फ तो पाउडर आता है, उसको हम कटोरे में लेते हैं, उसके ऊपर बिटाडीन डाली और वो घोल के फिर उसके अंदर गोज डाली, गोज को पूरा मतलब उसके अंदर डाली। ये मैक्स सेल्फ के बारे में आपको एक और बात बताऊं, केमिस्ट पे आपको बड़ा सस्ता मिल जाता है, मेरे घर से 40-50 रुपए का पैकेट आता है, इसी चीज़ को जब बाथ सॉल्ट्स कह के बेचा जाता है तो इसको 40-50 गुना पे जरा सी शीशी में बेचा जाता है। एक ही दिन में, एक ही मॉर्निंग में 3 डॉग बाइट केसेस आए थे। सबसे पहले जो आया था वो रेस्क्यू करके लाए थे उसको दड़म के मार्केट से, फिर दूसरा जो केस आया था वो यहीं पे हमारे फार्म से अराउंड 1 किलोमीटर अवे ही था, तो हम जाके उसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट करके आए, और तीसरा जो था वो दड़म के ही कोई लोकल है जिन्होंने अपने ही घर के बाहर जो डॉग रहता है उसको यहाँ पे ले आए थे इलाज करवाने के लिए, उसके मुँह पे स्क्रैचेस थे। सिर्फ एक ही है जिसको हमने क्लिनिक में रखा हुआ है, इसकी हमने अभी एंटी रेबीज की शेड्यूल कर दी है 5 दिन की, जो लगातार नहीं जो शेड्यूल के हिसाब से लगेगी, और एक ही हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही करेंगे, वहाँ पे जाके उसको एंटी रेबीज लगवाएंगे, और तीसरा जो है वो अपने आप ही अपने डॉग को ले आएगा यहाँ। ये तीनों केसेस बैक टू बैक हमें एक ही सुबह में आए, तो हमने सस्पेक्ट किया है कि शायद से कोई रैबिट डॉग हो सकता है इस एरिया में। संजय जी, साहिल, सबको बोल के रखा है कि अगर जब वो ट्रीट ऑन स्ट्रीट के लिए जा रहे हैं तो एक नज़र रख ले, तो अगर कोई रैबिट डॉग दिखता है तो फिर हमें खबर कर दे, और अगर जब वो रैबिट डॉग पकड़ा जाएगा तो फिर उसको यूथनाइज करना पड़ेगा, दैट्स वो प्रोटोकॉल है। बेसिकली रैबिड एनिमल के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन है जिससे आप रेबीज प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जब रैबिड एनिमल होता है तो लोग चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं, बड़ी क्रूअल तरीके से मार देते हैं, बेटर ये
कि आप अपने नज़दीकी रेस्क्यू या जो भी गवर्नमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट है उनको संपर्क करें ताकि वो उनको ह्यूमेनली पुट डाउन कर सकें। हमारी जो दो किटन्स आई थी पालमपुर से, उसमें से एक जिसका नाम टोस्ट है वो अडॉप्ट हो गई है। शिवांशी राणा जो पालमपुर से है, उन्होंने मुझे उसके लिए फ़ोन किया था और फाइनली वो अपने घर पहुँच गई है। ड्रिप वाले ट्रीटमेंट से इसकी डायरिया तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है और अब ये पूरी तरह फिर से एनर्जेटिक भी है, तो अब हमें चाहिए तो सिर्फ एक घर इसके लिए। जो डॉग आया था आई डोंट थिंक पैरालाइज था, पर उसके पीछे चल नहीं पा रहा था। लाइक उस डॉग का केस ऐसा था ना कि उसकी जो पिछली टांगे थी वो घुटनों के वहां से कटी हुई थी, दोनों थी नहीं कटी हुई थी, एंड प्लस उसके डायग्नोसिस करने पे इंटरनल इंजरी भी थी, तो ऑब्वियसली चांसेस उसके बहुत ही कम थे सर्वाइवल के। तो हमारे वेट ने तो डिसीजन लिया कि एक बछड़ा भी आया था ना जिसको वाइल्ड डॉग्स ने काटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसकी तो मैंने लाइव किया था, स्पाइन भी ब्रोकन थी जी। तो उसको हमने यूथनाइज नहीं किया था? नहीं, उसको नहीं किया हमने। क्यों? बिकॉज आई थिंक काउस को यूथनाइज करना इज कॉन्ट्रोवर्शियल है ऑफ सॉर्ट्स इंडिया में, हालांकि अगर वो कर दे तो बेटर ही है उनके लिए, लेकिन आई डोंट थिंक दैट लोग ऑब्जेक्ट करेंगे इस चीज़ को। तो अपन लोगों ने पेन मैनेजमेंट किया, पेन मैनेजमेंट की उसकी, ऑल्दो उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूटी हुई थी, उसके रिब्स टूटे हुए थे, तो इट वॉज जस्ट लाइक ही इज़ अलाइव बट कैन नॉट फील एनीथिंग, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है तो वैसे ही सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं। सो इट वॉज जस्ट डेड लिविंग, बट ऑब्वियसली केस तो होपलेस था, देयर वॉज नो वे कि हम उसे ठीक कर सकते थे। तो अगर ऐसी कंडीशन में डॉग आता तो हम उसको यूथनाइज कर देते, पर जैसे सलोनी ने कहा गाय में कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, जो कि बड़ी अजीब बात है कि भाई सड़क पे गाय मर रही है कोई परवाह नहीं करेगा, लोग सड़क पे छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई परवाह नहीं करेगा, पर अगर गाय के बेनिफिट के लिए उसको यूथनाइज करेगी भी उसका दर्द तो खत्म हो, उसको ज़िंदगी अच्छी नहीं मिले, मौत तो अच्छी मिले, तो लोगों को आपत्ति होती है।